नमस्कार, आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आज का हमारा इतिहास। हम आपको बताएंगे आज 12 मार्च है, 12 मार्च के रोज हमारे इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई है, आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन जन्म हुआ है। हम आपको बताएंगे आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन देहांत हुआ है और आज कौन सा दिवस है। हम आपको बताएं पहले आज कौन सा दिवस है। आज के दिन दोस्तों दांडी मार्च दिवस मनाया जा रहा है। हम आपको बताएं दोस्तों दांडी मार्च दिवस, जिसे हम साल्ट मार्च भी कहते हैं या जिसे हम साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं या नमक आंदोलन भी कहते हैं। तो दोस्तों आज का जो दिवस है इसके कई नाम है। हम आपको बताएं दोस्तों दांडी मार्च क्यों निकाला गया था, दांडी मार्च दिवस क्यों मनाया जाता है। आज के दिन यानी 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। इस आंदोलन से गांधी जी नमक के ऊपर बनाए गए कानून को तोड़ना चाहते थे। हम आपको बताएं दोस्तों गांधी जी अपने साथ 78 स्वयंसेवक जो दल थे उनको लेकर निकले थे। उनके साथ दोस्तों वेब मिलर भी थे। और हम आपको यह बताएं दोस्तों यह यात्रा कहां से लेके कहां तक करी थी और इसको करने में कितना टाइम लगा। हम आपको बताएं दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू किया था। और हम आपको बताएं साबरमती आश्रम से शुरू करने के बाद दोस्तों वो पहुंचे थे दांडी। दांडी पहुंचे थे दोस्तों वो 24 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंच गए थे। हम आपको बताएं दोस्तों जो दूरी है दांडी और साबरमती आश्रम के बीच की वो है दोस्तों 358 किलोमीटर। हाँ दोस्तों 24 दिन बाद जो गांधी जी है वो दांडी पहुंच गए थे। और दांडी पहुंचने के बाद दोस्तों उन्होंने समुद्र तट पर नमक का कानून तोड़ा था। तो दोस्तों इस कारण जो आज का दिन है दांडी मार्च दिवस वो मनाया जा रहा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन जन्म हुआ है। हम आपको बताएं दोस्तों आज के दिन जन्म हुआ है यशवंतराव चौहान का। यशवंतराव चौहान का जन्म हुआ है 12 मार्च 1913 को और इनका देहांत हुआ है 25 नवंबर 1984 को। यशवंतराव चौहान मुंबई राज्य के विभाजन के बाद महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और हम आपको यही बताएं दोस्तों यशवंतराव चौहान भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री भी बने थे और ये कांग्रेस के लीडर थे। अब हम आपको बताएं दोस्तों आज के दिन जन्म हुआ है श्रेया घोषाल का। श्रेया घोषाल का जन्म हुआ है 12 मार्च 1984 को। श्रेया घोषाल एक भारतीय पार्श्व गायिका है। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों अब आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन देहांत हुआ था। आज के दिन देहांत हुआ था क्षितिमोहन सेन का। क्षितिमोहन सेन का जन्म हुआ है 2 दिसंबर 1880 को और इनका देहांत हुआ था 12 मार्च 1960 को। आचार्य क्षितिमोहन सेन भारतीय विद्वान लेखक और संस्कृत के प्राध्यापक थे। अब हम आपको बताएं दोस्तों आज के दिन कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हमारे इतिहास में घटित हुई है। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों आज के दिन 2007 को हम लेते हैं और 2007 के दिन दोस्तों आज के दिन जमैका के अंदर जो 9वां वर्ल्ड कप था क्रिकेट का उसका उद्घाटन हुआ था। तो दोस्तों यह है आज का हमारा संपूर्ण इतिहास। आप हमारा जो चैनल आज की खबर उसको सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें। नमस्कार।